bring your attention to the center of the forehead. जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, the third eye of wisdom. And gently visualize a tiny point of light there. एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा, like a little star. This is I, the energy. मैं शक्ति, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति. थॉट क्रिएट करने वाली, हर शब्द बोलने वाली, हर कर्म करने वाली मैं शक्ति. जेंटली अपने आप से ये कहें मन में, मैं शक्ति हूँ. आई एम पावर. अपने मन की मालिक हो. आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड. अपने जीवन की मालिक हो. आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ. मैं शक्ति हो. मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हो. मैं अपने घर का, अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हो. आई एम द पावर हाउस. नाउ विजुअलाइज योरसेल्फ एट होम. खुद को अपने घर में देखें, परिवार को देखें और सबके बीच अपने आप को देखें कि इस पूरे परिवार को शक्ति देने वाली मैं इस परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ. And just visualize कि आपसे निकलती हुई vibrations of power is strengthening every member of the family like a laser beam. आपसे निकलती है और हर एक को energize करती है. Have the power to empower others. मैं शक्ति हूँ. Again visualize घर में कोई परेशान है, कोई उदास है, कोई नाराज है,
कोई थोड़ा भी डिस्टर्ब्ड है, आई एम द पावर टू एम्पावर देम. मेरी वाइब्रेशंस उनकी शक्ति बनते हैं. जस्ट बीइंग अराउंड मी दे आर स्ट्रेंथन्ड. मैं शक्ति हूँ. एंड देखे इस सीन को, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बच्चे हैं, एनी मेंबर ऑफ फैमिली एट होम और एट वर्क, आपकी एनर्जी स्पेस में आकर वो खुद को शक्तिशाली एक्सपीरियंस करते हैं. जस्ट बीइंग अराउंड यू वो एनर्जाइज्ड फील करते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्गर. आई एम द पावर टू एम्पावर अदर्स. लाइट ऑन करते द पावर टू एम्पावर अदर्स. हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आप अपने आसपास के लोगों को इमोशनली एम्पावर कर सकते हैं? बिकॉज वो ही आपका स्लोगन है, पावर टू एम्पावर. एक है फिजिकली एम्पावर, दूसरा है सोशली एम्पावर. जो आप करते हैं वो सेवा है, लेकिन इमोशनली एम्पावर इज व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम. है या नहीं है? है या नहीं है? है. तो आपको लगता है आप इमोशनली एम्पावर कर सकते हैं? लाइट ऑन कर दें. कहाँ से ऑन होती है लाइट? पीछे से. कोई बात नहीं, आप बैठो, हो जाएगी. हाउ मेनी फील आई कैन इमोशनली एम्पावर अदर्स? दूसरे को इमोशनली एम्पावर करने के लिए हाउ वुड आई नीड टू बी? मुझे कैसा होना पड़ेगा सो दैट आई कैन इमोशनली एम्पावर समबडी एल्स? आई विल नीड टू बी किसी को भी कुछ देने के लिए वो चीज़ हमारे पास खुद होनी चाहिए, राइट? आपके पास स्किल है, आप दूसरों को स्किल से एम्पावर कर लेते हैं. आपके पास वेल्थ है तो आप फाइनेंशियली दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं. लेकिन इस समय जो हमारे आसपास के लोगों को चाहिए, और स्पेशली जो हमारे परिवार में हर एक को चाहिए, वो है इमोशनल स्ट्रेंथ. हम इमोशनली हेल्दी हैं या नहीं हैं, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? व्हाट इज़ द साइन ऑफ इमोशनल हेल्थ? अच्छा, एक काम करते हैं, एक मिनट आंख बंद करो और अपना इमोशनल क्वोशेंट रैंक करो. अपना करना और किसी का नहीं.
I'll give you the criteria, you grade yourself. Don't look at anybody else. ठीक है? On a scale of 1 to 10. 1 मतलब emotional quotient low, 10 मतलब emotional quotient perfect. अब आप 1 से 10 के बीच इन सारी बातों पे अपने आप को ग्रेड करना. फर्स्ट क्राइटेरिया, जब भी कोई सिचुएशन आती है, डू आई रिएक्ट और डू आई चूज माई रिस्पॉन्स कॉन्शियसली? मतलब मेरा रिएक्शन सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता है या सिचुएशन कैसी भी हो, आई कैन कॉन्शियसली चूज माई रिस्पॉन्स. विच मीन्स ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, मैं बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बातों में कितना स्टेबल, पावरफुल, एम्पथेटिक, कंपैशनेट रह सकती हूँ. डू आई रिएक्ट और डू आई रिस्पॉन्ड कॉन्शियसली? रिएक्शन 3 बार हो सकता है. थॉट्स में रिएक्शन, वर्ड्स में रिएक्शन एंड फिर बिहेवियर में भी रिएक्शन. दूसरा, इफ आई रिएक्ट, मेरा रिएक्शन कितना टाइम चलता है? मतलब मैं बातों को जल्दी जल्दी रैप अप कर सकती हूँ या वो थोड़ी लंबी खिंचती है? वो बात मेरे मन के ऊपर कितनी देर तक चलती है? 1 second, 1 minute, 1 hour, 1 year, ड्यूरेशन कितनी जल्दी रैप अप कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं. अभी देखो, जिस जिस को फ़ोन से असर हुआ इमोशनल क्वोशेंट, वो जानबूझ के बजाया था चेक करने के लिए. थियोरी में रैंकिंग नहीं करनी सर, प्रैक्टिकल. सिचुएशन रिएक्शन, कॉन्शियस रिस्पॉन्स, दोनों में से कौन सा है? दोनों में से कौन सा है? तीसरा क्राइटेरिया, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो मुझ पर कितना असर करता है? What do people say about me? वो मेरे ऊपर कितना असर करता है? वो लोग, मेरा क्लोज सर्कल हो सकता है, वो और कोई भी हो सकता है. स्केल ऑफ 1 to 10. डू आई लव माई सेल्फ एज आई एम? क्या मैं खुद से प्यार करती हूँ या मैं अपना कंपैरिजन औरों से करती हूँ और फिर किसी और की तरह बनने की कोशिश करती हूँ? Do I respect myself or do I need other people to respect me? मुझे दूसरों से प्यार और सम्मान की कितनी ज़रूरत महसूस होती है? अब मोटा मोटा इन 4-5 बातों का टोटल निकालिए और अपने आप को 1 to 10 पर ग्रेड दे दीजिए. और ये टेस्ट बीच बीच में अपना करते रह कीजिए. ये स्कैन कहीं और नहीं होगा. ये स्कैन किसको करना है? हमें खुद करना है. कर लिया टेस्ट? टेस्ट कर लिया एवरीबडी? ठीक है, आंखें बंद करो 1 मिनट. एंड नोबडी हैज़ टू कीप देयर आइज क्लोज्ड ओपन, सॉरी, नोबडी कीप्स देयर आइज ओपन. हमें रिजल्ट लेना है विदाउट एनीबडी एल्स नोइंग योर रिजल्ट. तो नोबडी हैज़ टू ओपन. 10, हाथ उठाइए, कोई आपका हाथ नहीं देख रहा तो आराम से उठाइए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, हैंड्स डाउन. अब दूसरों को पावर देने के लिए
मेरा पावर इंडेक्स कितना होना पड़ेगा दूसरों को पावर देने के लिए, मेरा इमोशनल क्वोशेंट कहाँ होना पड़ेगा। इन लाइफ हम दो फ्रीक्वेंसीज पे जी सकते हैं, वन फ्रीक्वेंसी इज हम दूसरों को देने वाले हैं एंड दूसरी फ्रीक्वेंसी इज हम दूसरों से क्या क्या चाहिए होता है हमें लोगों से, जस्ट चेक लिस्ट, क्या क्या चाहिए होता है लोगों से, प्यार चाहिए ऑफ कोर्स, और क्या चाहिए, एक मिनट लिस्ट बनानी है हमें, प्यार चाहिए और क्या चाहिए, अटेंशन, ओ अच्छा अटेंशन, आई नेवर थॉट ये आने वाला नेक्स्ट वर्ड, ओके, प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए और क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, हाँ प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए और क्या चाहिए, अच्छा टाइम चाहिए, ओहो अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, ओके और क्या चाहिए, अच्छा ऑनेस्टी भी चाहिए और क्या चाहिए, मनी भी चाहिए, अच्छा अच्छा हाँ जी एक्सेप्टेंस भी चाहिए और एनीथिंग रिमेनिंग, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, केयर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, अच्छा अनकंडीशनल लव चाहिए, सिर्फ लव नहीं चाहिए, ओके वेरी गुड, हम बहुत क्लियर है हमें क्या चाहिए, फिर तो रिस्पेक्ट भी अनकंडीशनल चाहिए, अटेंशन भी अनकंडीशनल, तो अनकंडीशनल तो सबके साथ ही अटैच कर दो ना फिर तो, वेरी गुड, तो हमें ये सब कुछ चाहिए, तो ये हमारी चाहिए वाली लिस्ट है। अब देने वाली लिस्ट में क्या है, क्या देने के लिए रेडी है, अच्छा रिस्पेक्ट देने के लिए भी रेडी है, और क्या देने के लिए रेडी है, लव देने के, मतलब आपके पास दूसरों को देने के लिए है, आपके पास दूसरों को देने के लिए है, प्यार देने के लिए है, है रिस्पेक्ट देने के लिए है, है केयर देने के लिए है, अटेंशन देने के लिए है, जब सब कुछ है तो चाहिए क्यों बोल रहे हैं फिर, वी हैव टू बी वेरी क्लियर विच साइड, अभी मेरे पास पानी है तो आई एम नॉट गोइंग टू से पानी चाहिए, बट जिस दिन ये खत्म हो गया तो आई विल से पानी चाहिए, बट मैं दोनों तरफ कैसे हो सकती हूँ, पानी है भी पानी चाहिए भी, इधर है इधर चाहिए, है और चाहिए, और जिनसे आप मांग रहे हैं या जिनके सामने आप ऐसे खड़े हैं कि मुझे चाहिए, वो भी कौन सी साइड पे खड़े हैं, वो भी कहते हैं चाहिए, और फिर आप दोनों मिलके बच्चों की तरफ खड़े हो जाओ कि हमें चाहिए, वो कहते पहले हमें चाहिए, सो एवरीवन इज स्टैंडिंग इन लाइफ लाइक दिस, मुझे चाहिए, क्योंकि वो गलती नहीं हमारी, बचपन से हमें सिखाया गया था, मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, वैसे दोनों में से फील कौन सा बेटर होता है, चाहिए या देना, जस्ट फीलिंग वाइज, थैंक यू सो मच, खत्म है, फिर साइड चेंज करते हैं, लेट्स स्विच साइड्स, व्हाई आर वी स्टैंडिंग ऑन अ साइड व्हिच इज नॉट कंफर्टेबल, हम क्यों खड़े हुए हैं इस तरह से, हम क्यों नहीं इस तरह से खड़े हो सकते हैं, इट्स जस्ट वन थॉट, इधर खड़े होना या इधर खड़े होना इज जस्ट वन थॉट, इट्स ओनली वन थॉट, लेकिन अगर मैंने यहाँ की फ्रीक्वेंसी ये सेट कर दी कि मुझे चाहिए, तो आई हैव चोजन टू बी ऑन दिस साइड, एंड मैंने जीवन में हर एक की तरफ देखना है, हर एक के साथ इंटरेक्ट करते हुए ये सोचना है इससे प्यार चाहिए, इससे रिस्पेक्ट चाहिए, इससे चाहिए, इससे चाहिए, और वो दे भी रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे अनुसार चाहिए, and so I will spend most of my life or all my life
शक्ति ऐसे नहीं दिखाई देती कभी भी। इतने बड़ी बड़ी हम देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, वो शक्ति है। उसके हाथ कभी ऐसे देखे आपने? कैसे होते हाथ, कैसे होते हाथ? तो फिर तो उनकी जब पूजा कर रहे हैं तो हम अपने आप को बता रहे हैं कि पूजनीय कौन होता है जो कैसे होता है, पूजनीय कौन होता है जो कैसे होता है, जो देने वाला होता है। फिर हमें वैसा बनना नहीं है, हमें सिर्फ पूजा करनी है, ऐसा हमें बनना नहीं है, बनना नहीं बनना बनना। और जिनका हाथ ऐसे होता है और ऐसे होता है, उनके पीछे एक वाइट लाइट का सर्कल दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, दीज आर द टू साइंस जो हमें दिखाते हैं कि वाइट सर्कल का एनर्जी है और हाथ ऐसे है। इसका मतलब जो गिवर है, जो गिवर है उसका इमोशनल कोशेंट, उसका ऑरा वाइट है। तो अब हमें चूज करना है कि हमें कौन सी साइड पे खड़े होना है। दोनों साइड पे नहीं खड़े हो सकते, दोनों में से एक चूज करना पड़ता है। क्या मन है करने का? फिर आप जिस साइड पे खड़े होंगे हम रेस्ट ऑफ द सेशन उस साइड से करेंगे। पहले आप डिसाइड कर लो आपको कौन से साइड पे खड़े होना है। गिविंग अनकंडीशनल या सिर्फ गिविंग? क्योंकि चाहने में तो अनकंडीशनल चाहिए था, तो गिविंग में भी अनकंडीशनल? या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनकंडीशनल? यू नो ये सब हम शब्द सुनते रहते हैं, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा साउंड करता है ना कि आई एम गेटिंग अनकंडीशनल लव फ्रॉम समबडी। इसका मीनिंग क्या है? मुझे किसी से अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट मिल रहा है। मतलब मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा बिहेव करती हूँ, मैं गलती करती हूँ, मैं बहुत गड़ी गलती करती हूँ, वहाँ से मेरा फ्लो ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट मेरी तरफ कंटिन्यूस है। अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है। इससे भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी जब वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, गलती करते हैं, मेरे अनुसार होते हैं या नहीं होते हैं, मेरे तरफ से अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट जाता है। और अगर मेरी तरफ से अनकंडीशनल रिस्पेक्ट और लव गया तो मेरी तरफ से क्या नहीं गया, क्या नहीं गया? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अनकंडीशनल? सपोज विजुअलाइज करो, आपकी फैमिली ने में किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बोला और आपकी तरफ से अनकंडीशनल रिस्पेक्ट जा रही है, मतलब आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है फिर? आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है फिर? काम। अब ऑपोजिट ऑफ अनकंडीशनल, उन्होंने कुछ कहा किया तो आपकी तरफ से क्या जा रहा है? विजुअलाइज कर सकते हैं व्हाट इज अनकंडीशनल एंड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ अनकंडीशनल? व्हाट इज कंडीशनल? कंडीशनल मतलब इफ यू आर माय वे, जैसा मुझे चाहिए आप हैं, जिस तरह का बिहेवियर मुझे ठीक लगता है आपका है, आपका बात करने का तरीका मेरे अनुसार है, आपका काम करने का तरीका मेरे अनुसार है, यू फिट अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स ऑफ व्हाट आई वांट अ स्पाउस टू बी, अ चाइल्ड टू बी, अ कलीग टू बी, तो मेरी तरफ से आपके लिए जो थॉट्स हैं वो पावरफुल हैं, प्योर हैं, पॉजिटिव हैं, दैट इज रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा किया विच इज नॉट राइट, एंड नॉट राइट अकॉर्डिंग टू हू? नॉट अकॉर्डिंग टू, इट्स अकॉर्डिंग टू मी, नॉट राइट, तो मेरी तरफ से कौन सी थॉट्स जाने लगती है? क्रिटिकल, जजमेंटल, इरिटेटेड, एंग्री, अपसेट, हर्ट, रिजेक्टेड, इनसिक्योर, लॉन्ग लिस्ट। और जब ये लॉन्ग लिस्ट जाती है तो मेरी तरफ से क्या नहीं जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है? लव एंड रिस्पेक्ट नहीं जा रहा है। सो एवरी टाइम आई एम क्रिएटिंग द राइट इमोशन, मेरी तरफ से क्या जा रहा है? लव एंड रिस्पेक्ट जा रहा है। बट एवरी टाइम आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, तो मेरी तरफ से क्या जा रहा है? लव एंड रिस्पेक्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरी तरफ से क्या जा रहा है? हर्ट जा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू वरी फॉर योर फैमिली? ऑल? कैसे पता है आपको? आई डोंट वरी। ऐसे ऑल नहीं बोलना कभी भी, ऑल नहीं बोलना चाहिए कभी भी। हैव द करेज टू से आई,
ऑल बोलने से क्या होता है, वी से अच्छा ऑल है तो फिर करेक्ट ही होगा, ऑल ऑल नहीं आई। अब सिर्फ विजुअलाइज कीजिए वरी, एक एक मेंबर ढूंढ लीजिए अभी और उसके लिए वरी करना शुरू कीजिए, अभी कीजिए वरी, ठीक है। अब वो वरी की थॉट्स क्रिएट करना शुरू कीजिए, हो गई शुरू, शुरू हुई नहीं हुई हो, करो ना, इसका क्या होगा, इनका क्या होगा, आगे क्या होगा, बाद में क्या होगा, मेरे बाद में क्या होगा, करो वरी, वरी करो। अब जैसे ही इस क्वालिटी के हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, हमारी वाइब्रेशन कौन सी तरफ है, 10 की तरफ या 1 की तरफ जा रही है? यू आर श्योर इट्स अ लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, वो है। अब वो मैंने क्रिएट कर दी तो सबसे पहले इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, मेरे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन मैंने जिसके लिए क्रिएट की, मेरी वाइब्रेशन उनकी तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी। सो विच वाइब्रेशनल एनर्जी एम आई सेंडिंग देम, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी। लव कौन सी वाइब्रेशनल एनर्जी है, हायर वाइब्रेशनल एनर्जी। और अभी अभी मैंने जो एनर्जी क्रिएट की, आई लव यू, नो दैट इज वाई आई वरी फॉर यू। तो आप लोअर और हायर वाइब्रेशन को इकट्ठे नहीं बोल सकते हैं, हाँ जी, वरी तो हो गई, हाँ जी, बच्चों के लिए वरी तो हो गई। अगर आपका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त फ्रेंड या यहीं कोई आपको आके कहे पता नहीं आपके बच्चे का क्या होगा, जी उसने सिर्फ एक लाइन कही है अभी तक, एंड यू सी हर रिएक्शन, और यही लाइन खुद कह रहे थे तो कहते वरी तो होगी ही। जो बात दूसरे के मुख से निकले वो इतनी कड़वी लग रही है और खुद सारा दिन इतनी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और उसको राइट बोलते हैं। अगर कोई और आकर आपको बोल दे आपके बच्चे का पता नहीं आगे क्या होगा, तो इसमें रॉन्ग क्या है, वो भी तो वरी कर रहा है आपके बच्चे के लिए। मतलब नहीं, अभी ताली किस बात पे बज रही है, अभी तो हम आंसर पे ही नहीं आए अपने। वी हैव टू चेक व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर डूइंग। आई से आई लव यू, सो मतलब मेरी हर वाइब्रेशन आपके लिए कैसी होनी चाहिए फिर? तो जिनसे हम प्यार करते हैं उनको हम लोअर एनर्जी थोड़ी देंगे, लोअर एनर्जी देंगे ना। चेंज दिस थॉट ऑफ पता नहीं आपका क्या होगा टू अ हायर वाइब्रेशनल थॉट, कन्वर्ट कीजिए। क्योंकि क्या होगा, बाद में क्या होगा, पढ़ाएगा तो क्या होगा, बाहर जाएगा तो क्या होगा, दिस इज अ लोअर एनर्जी थॉट। वी आर क्वेश्चनिंग द डेस्टिनी ऑफ दैट सोल, वी आर रेजिंग डाउट इन द डेस्टिनी ऑफ दैट सोल कि पता नहीं क्या होगा। इसको हायर वाइब्रेशनल में कन्वर्ट कीजिए तो लाइन क्या होगी, जो होगा अच्छा होगा, नहीं वो तो हो गई, बट आप उससे और भी हायर लेकर जाओ। इट्स वेरी इजी। अभी फर्स्ट लाइन क्या थी, पता नहीं क्या होगा, सेकंड लाइन क्या आई, जो होगा, ये भी हम ऊपर तो उठ गए, 1 से हम 5 पे आ गए। 5 कहते जो होगा अच्छा होगा, मतलब कॉम्प्रोमाइज, जो होगा अच्छा होगा। अभी 10 पर लेकर आओ, आपके साथ परफेक्ट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तीनों एक थॉट है ना, तीनों एक थॉट है, राइट? पता नहीं क्या होगा, चलो जो होगा अच्छा ही होगा, और तीसरा है आपके साथ परफेक्ट के अलावा, बढ़िया के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज ऑल्सो अ थॉट, दिस इज ऑल्सो अ थॉट, दिस इज ऑल्सो अ थॉट। अब तीनों में से मैंने जो थॉट क्रिएट की, सबसे पहले वो मेरी वाइब्रेशन बन गई, बिकॉज आई एम वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी 1, 5 और 10। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ही एनर्जी उनको गई है एंड उनके पास जाकर वो उनकी वाइब्रेशन का हिस्सा बन गए। तो जब हम कहते हैं वरी कैसे नहीं करें, तो देन यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि जितने देर मैंने चिंता की उतनी देर मैं कौन से वाइब्रेशन पे थी, और यहां से खुद रही तो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं,
अगर सिर्फ वो एनर्जी आप तक रहे नो प्रॉब्लम, आप डिप्लीट हो जाओ, लेकिन वो एनर्जी किधर जा रही है, उन तक जा रही है और उनको जाकर वो डिप्लीट कर रही है, उनको कर रही है जिनके लिए हम कहते हैं आई लव यू अनकंडीशनली. आई लव यू अनकंडीशनली मीन्स आई विल रेडिएट ओनली 10 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर यू. तो वारी करना नॉर्मल, कंप्लीट द लाइन. वारी करना नॉर्मल नहीं है, वेरी गुड. केयर करना नॉर्मल है. अब अनकंडीशनल के लिए सिर्फ ये चेक करना है कि सामने सिचुएशन कुछ भी हो, आपको 10 की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रेडिएट करनी है, एंड दैट इज कॉल्ड द ब्लेसिंग. दुआएं दीजिए उनको. अब एक है नॉर्मल थॉट क्रिएट करना कि आपके साथ जो होगा परफेक्ट होगा, लेकिन सपोज इस समय उनके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, सब कुछ ही गड़बड़ हुआ हुआ है उनकी लाइफ के अंदर, वो खुद बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत नाराज है, बहुत उदास है, अब उनको कौन सी एनर्जी की जरूरत है? पावर टू एम्पावर. उनकी इस टाइम पावर क्या हुई हुई है? लो, आप शक्ति हैं, तो आपका रोल क्या है? उनको बोलिए, हर रोज तो बोलते हो, हर फोल्डर पे तो लिखते हो पावर टू एम्पावर. करो. अब उनको मुझे क्या करना है? उठाना है. क्या करना पड़ेगा मुझे? अभी वो बहुत परेशान है, उदास है, मुझे कैसी थॉट्स क्रिएट करनी पड़ेंगे? कैन आई रिमेन पावरफुल व्हेन माय चाइल्ड इज डिस्टर्ब्ड? कैन आई रिमेन पावरफुल व्हेन माय चाइल्ड इज गोइंग थ्रू द लोएस्ट फेस? हम यही हैं. आप उधर मत पहुंचो, वो मत सोचो, कुछ लो नहीं हो रहा वहां पे. कैन आई रिमेन पावरफुल व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ लोएस्ट फेस? या हमारी वोकैबुलरी कहती है वो उदास हैं, तो ऑब्वियसली वो उदास हैं, वो परेशान हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी तो. एंड अगर वो परेशान है तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आए हैं? वो थोड़ा नीचे आए हुए, लेट्स से वो 4 पे चल रहे हैं इस टाइम. ओके, नाउ जस्ट विजुअलाइज एंड गिव अ रैंकिंग टू एवरीबडी इन योर फैमिली. अगर वो 4 पे आए हुए हैं और अगर उनको आप ऐसा देखकर आप भी कहाँ आ गए? आप भी 3-4 पे आ गए, तो आपकी एनर्जी जो उनकी तरफ जा रही होगी वो उनको क्या कर देगी? सो दैट इज कॉल्ड द पावर टू डिसएम्पावर. क्या कर रहे हैं हम उनको? बोलिए. बोलेंगे तो याद रहेगा और याद रहेगा तो चेंज करेंगे. अगर मैं लोअर फ्रीक्वेंसी पे चली गई तो मेरी लोअर एनर्जी उन तक जाती है और उनकी एनर्जी को और भी नीचे खींचती है, तो व्हाट एम आई डूइंग टू देम? आई एम डिसएम्पावरिंग दोज हु आई क्लेम टू लव. लेकिन कैसे ऐसे हो सकता है कि अगर मेरे आसपास, मेरे फैमिली में मेरे अपने बच्चे परेशान हैं और मैं इधर रहूं? कैसे हो सकता है? हो सकता है जी? हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करना ही है. अगर नहीं किया तो फिर हमारी पेरेंटिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, क्योंकि फिर हम उनको सिर्फ क्या दे रहे हैं? हम उनको वो सब दे रहे हैं विच पावर ऑफ मनी कैन बाय, बट हम उनको वो नहीं दे रहे हैं विच पावर ऑफ माइंड हैज टू गिव देम. और इस समय आपको क्या लगता है उनको किस चीज की जरूरत है? लगता है? डू यू फील? आपको लगता है उनको जरूरत है? हाउ मेनी फील
माई फैमिली नीड्स एम्पावरमेंट, लग रहा है ना? तो जब कुछ दिखे अपने आसपास, जब भी अपने घर में दिखता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम तुरंत उस ज़रूरत को क्या करने की कोशिश करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं कि आई हैव टू गिव दैट टू देम, मुझे ये देना है। अगर मैंने आज भी रुक कर अपने आप को चेंज नहीं किया और अपने आप को वाइब्रेशनली ऊपर नहीं उठाया और मैंने उनको वो पावर देना नहीं शुरू किया, तो क्या आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आज 2023 है, अगर हम 2025 में मिलते हैं तो सिचुएशन क्या होगी? और अगर फिर भी हमने नहीं किया और हम 2030 में मिलते हैं तो सिचुएशन क्या होगी? एंड कहीं वाइब्रेशनली इतना नीचे वो चले गए कि फिर हमारे लिए खींचना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जब थोड़ा ही वाइब्रेशन नीचे गया है तो हम फटाफट क्या करें? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले इतने सालों से नीचे जा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं रुक कर, और हमने उस वाइब्रेशन को नॉर्मल बोल दिया है क्योंकि हमें लगता है हाँ सब लोग ही ऐसे चल रहे हैं और सबके ही बच्चे ऐसे चल रहे हैं, तो डिफरेंट क्या है? चाहे सारी दुनिया वैसी चल रही हो, चाहे दुनिया के सारे बच्चे वैसे चल रहे हो, क्या आप अपने बच्चे को एम्पावर नहीं करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे? यस, प्लीज रिमेम्बर, जहां आज उनकी पावर है, जहां भी है, अगर हमने उसको ऊपर नहीं बढ़ाया तो बाय डिफॉल्ट वो बैटरी वहां की वहां रहने वाली नहीं है, वो नहीं रहने वाली है। अगर वो आज 5 है तो वो 2 साल के बाद 5 नहीं रहेंगे, अनलेस आपने 5 को बढ़ाया। और क्यों वो नहीं रहेंगे? क्योंकि वो जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस हवा में रह रहे हैं, वो ही नीचे खींच रही है चीजों को। सो इट इज आर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आर कर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आर पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस चीज की उनके पास कमी है, हमें उस चीज को क्या करना है, बहुत जल्दी भरकर उनको नीचे ऊपर खींच कर लेकर आना है। रेडी है आप करने के लिए? रेडी है आप करने के लिए? यस, बट ये चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। प्रॉबेबली वन ऑफ द ओनली थिंग्स विच मनी कैन नॉट बाय, बिकॉज इट्स एनर्जी ना, तो मनी कैन नॉट बाय इट। एवरीथिंग एल्स दैट इज विजिबल विद दीज आईज मनी कैन बाय, लेकिन एनर्जी है मनी कैन नॉट बाय। तो पैसों से फिजिकल चीजें खरीदी जा सकती हैं, एनर्जी किस चीज से आएगी? एनर्जी से आएगी। सो इन ऑर्डर टू एम्पावर देम, आई विल नीड टू एम्पावर वन पर्सन, वो कौन है? माई सेल्फ। ये नहीं है कि आप घर जाके ये देखना शुरू करो कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मुझे इसको भी उठाना है, मुझे इसको भी उठा, देख के तो टेंशन ही हो जाएगी, मैंने इतने सब लोगों को उठाना है ऊपर। वाइब्रेशनल एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हमें दूसरों को देनी नहीं पड़ती है, दूसरों को उठाना नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें उस वाइब्रेशनल एनर्जी पर जीना शुरू करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। बाकी सब चीज़ें दूसरों को देनी पड़ती हैं, दूसरों के लिए करनी पड़ती हैं, लेकिन वाइब्रेशन के लिए कुछ देना नहीं पड़ता। आपकी वाइब्रेशन रेडिएट हो रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो रही है। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं वो आपके आसपास हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। और बच्चे सबसे ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी पे इसलिए वाइब्रेट करते हैं क्योंकि आपका और उनका वूम्ब कनेक्शन है। तो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे उनके लिए उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना आना बहुत इजी है। एंड आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका असर उनके ऊपर हुआ राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे वर इन योर वूम्ब। जब से वो सोल गर्भ में आई थी आपकी वाइब्रेशन का असर उनके ऊपर हुआ था, इसीलिए आपकी वाइब्रेशन का असर आज भी उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसीलिए आप कहीं दूर भी होते तो आप उनकी वाइब्रेशन को कैच कर पाते हैं आज भी, क्योंकि इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशनल कनेक्ट। तो इस पावर को यूज करना चाहिए ना, सिर्फ उनको देखकर परेशान नहीं होना चाहिए क्या हो कर रहे, बोलो अरे ये तो बहुत ईजी है, मैं इनको खींच सकती हूं ऊपर,
वेरी इजी, आई कैन पुल देम आउट ऑफ दिस. लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही जने का ध्यान रखना है. किसका? खुद का. खुद को ऊपर उठाना है. कौन सी चीजें हैं जो मुझे नीचे लेकर आ रही है? इस समय दो चीजों का ध्यान रखना है. अपने परिवार वालों को वाइब्रेशनली ऊपर उठाना है, अपने घर की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है. उठाना है? यस. और उसके लिए सिर्फ क्या करना है? अपने माइंड की वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है. पिछले कुछ सालों से हमारा फोकस ज्यादा बाहर चल रहा है. डोंट यू थिंक वी बीन फोकसिंग टू मच आउटसाइड? यस और नो? यस. एंड फिर हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हम सब भाग रहे हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए भाग रहे हैं. और अगर कोई धीरे चल रहा है तो उसको दूसरों को देख के टेंशन हो जाती है. सारे जा रहे हैं, मैं ही पीछे रह गई, मेरे पास ये नहीं है, इनके पास ये है, वो इनके पास. भाग रहे हैं. एंड भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भागते भागते ये डाउन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा. आप में से स्कूल में किसी ने लेमन एंड स्पून रेस खेली थी? किस किस ने खेली थी? चलो विजुअलाइज करो, वो स्पून और वो नींबू रख लिया. अब भागो, अब भागो. और जो थ्री लेगेड लेमन एंड नींबू रेस थी ना, उसमें नींबू और स्पून भी था और पैर भी किसी और के साथ बंधा हुआ था. वो जो किसी और के साथ पैर बंधा हुआ है वो है आपकी फैमिली. अब भागो. और जब फिनिशिंग लाइन पर पहुंचेंगे तो सक्सेसफुल उसको कहा जाएगा जिसका, सक्सेसफुल किसको कहा जाएगा, जिसका नींबू वो चम्मच में था. ऐसे नहीं भागे भागे भागे, इतना भागे नींबू तो कहीं का कहीं गिर गया, लेकिन हम फर्स्ट आ गए. और हम इतना तेज भाग रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, अरे ये तो पीछे ही रह गए, मैं तो आगे 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 भागे. अपने परिवार को भी फास्ट फास्ट आगे आगे भगाया, अपने बच्चों को भी आगे आगे भगाया, फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गए. एंड आई सेड आई एम फर्स्ट. और रेफरी ने कहा नींबू कहाँ है? द रेस वॉज नॉट अबाउट रनिंग, इट वॉज रनिंग विद द नींबू इन द स्पून. वेयर इज द नींबू? वो नींबू कहाँ है जो गिर जाता है हर रोज? कहाँ है नींबू? अरे नींबू कहाँ है? कौन से नींबू की बात हो रही है जो गिर जाता है? यहाँ. तो हम भाग रहे हैं, वो हमारे साथ भाग रहे हैं, लेकिन भागते हुए यही भूल गया कि सक्सेस किसको कहा जाता है. वी थॉट जस्ट रन रन रन, बी अहेड, बी द फर्स्ट वन एंड बी हैव सक्सेसफुल. वी आर सक्सेसफुल ओनली इफ द माइंड इज एट अ हायर वाइब्रेशनल एनर्जी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि नींबू को देखते रहें और भागे नहीं, नहीं. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है नींबू को गिरा दें और भाग जाएं, नहीं. द रेस वॉज ओनली अबाउट हैविंग द लेमन ऑन द स्पून. सेम विद लाइफ. न खुद ऐसे भागो और न उनको भागने दो कि बस आओ और आगे और आगे और आगे और आगे. विदाउट हैविंग हियर हायर वाइब्रेशनल एनर्जी, आप कितना भी आगे पहुंच जाएं आप खुश तो होंगे नहीं. खुश तो है नहीं. हम स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, एंग्शियस, एंग्जाइटी, ये सारी वोकैबुलरी आजकल बढ़ती जा रही है. पैनिक अटैक, फियर, इसको क्या कहेंगे? इज दिस वाई वी वर वर्किंग सो हार्ड? इज दिस द पर्पज ऑफ आर लाइफ? नहीं. तो अब हमें क्या करना है? जाना है, बहुत आगे जाना है, उनको भी बहुत आगे लेकर जाना है, बट विद द स्टेट ऑफ माइंड परफेक्ट. कर सकते हैं क्या? इसको अपनी प्रायोरिटी रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि जहां भी हम प्रायोरिटी रखेंगे हम अचीव कर लेते हैं. जहां भी हम अटेंशन रखेंगे हम अचीव कर लेते हैं. लेकिन अटेंशन रखेंगे नहीं तो अचीव नहीं करेंगे. अगर हमें अटेंशन नहीं रखा तो पहले दो स्टेप में ही नींबू गिर जाएगा. मतलब सुबह सुबह ही स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाती है. किस किस की स्टेट ऑफ माइंड सुबह सुबह हिलती है? उठा लो हाथ. पहले तो बच्चों को उठाने में हिल जाती है. छोटी 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 चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं. अभी तो कोई सिचुएशन नहीं है ये तो डेली की सिचुएशन है. एवरी डे एवरी डे. बच्चों को उठाने के लिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है? बोलना पड़ता है? यस और नो? अगर कल से नहीं जोर से बोला तो क्या होगा? फिर वो स्कूल नहीं जाएंगे. सिंपल.
वो कितने दिन स्कूल नहीं जाएंगे? क्या लगता है, अगर आपने जोर से नहीं बोला तो वो कितने दिन स्कूल नहीं जाएंगे? आप कल करके देख लो, ये सिर्फ आप सिर्फ ये करके देख लो. नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू द डे, सुबह से रात तक, सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन, बट आई एम गोइंग टू टेक केयर कि ये भरा हुआ रहेगा. राइट? करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, ये यही ठीक है जो चल रहा है. करना है या नहीं करना है, फिर कैसे करना है देखिए, पहले आप बताओ करना है या नहीं करना है. हमने रियलाइज कर लिया कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग. जब आप अपने बच्चे को देखते हैं परेशान, जब आप उसको देखते हैं वह उसको डर लग रहा है किसी बात से, जब आपको देखते हैं उसको चिंता है, एंड यू कैन जस्ट सिट नेक्स्ट टू योर चाइल्ड एंड आप बोल सकते हैं डरो मत, चिंता मत करो, बस इतना ही बोल सकते हैं, उसके बियॉन्ड क्या करेंगे. फिर हम उनको बोलते हैं आई एम विद यू, फिर जितना ज़्यादा बोलते हैं बोलते प्लीज़ थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, बाहर जाओ. फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं, हाउ कैन आई लीव यू अलोन, आई शुड सिट विद यू, बोलते आई वॉन्ट टू बी अलोन. कभी हमने सोचा है कि वाई डू दे वॉन्ट टू बी अलोन वेन दे आर इन पेन? क्यों वो अकेले बैठना चाहते हैं वेन दे आर इन पेन? रीजन क्या है? सोचो, आपको इमिजिएटली आंसर मिलेगा. वाई डू दे वॉन्ट टू बी अलोन? वो अकेला क्यों बैठना चाहते हैं वेन दे आर इन पेन? जब वो दर्द में है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे है? अब अगर उनके पास कोई और आकर बैठ गया जो भी लोअर पे है, तो उनको क्या मिलेगा वहां से? When you are in pain, would you want pain from somebody else sitting next to you? नहीं. लेकिन उस समय अगर आप उनके पास आके बैठो when you are like this, तो फिर आपको उनके पास आकर बैठना नहीं पड़ेगा, वो आपके पास आकर बैठेंगे कि मुझे ना 5 मिनट आपके पास बैठना है. तो आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम है, हम बात करें उसके बारे में, तो वो कहेंगे मुझे कोई बात नहीं करनी है, वो तो मैं अपने आप ही सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मुझे जस्ट आपके पास 5 मिनट बैठना है, मेरी पावर बढ़ जाएगी, फिर मैंने जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी है. दैट इज सेइंग आई एम द शक्ति स्तंभ. तो हमारी वाइब्रेशन वो होनी चाहिए जो दूसरे की वाइब्रेशन को बढ़ाती है, उसको डिप्लीट नहीं करती है. अगर हमने ध्यान नहीं रखा, वी आर एडिंग पेन टू पेन, हम दूसरे के दर्द में दर्द ऐड कर रहे हैं. इसीलिए पिछले कुछ सालों से काउंसलर आ गए हर जगह, स्कूल में काउंसलर, बाकी काउंसलर. जब हम स्कूल में थे तो कोई काउंसलर नहीं था, नहीं थे ना, नहीं थे ना, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स थी या नहीं थी? थी, पर काउंसलर क्यों नहीं थे? और हम ठीक ठाक ही बड़े हो गए ना सारे. तो काउंसलर क्यों नहीं थे? क्योंकि उस समय हमारे फैमिली मेंबर्स थोड़ी हायर वाइब्रेशनल एनर्जी पे चल रहे थे. भले वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, थोड़े डांटते भी ज़्यादा थे, आप लोग तो डांटते नहीं आजकल ज़्यादा, लेकिन उनके पास वो वाइब्रेशन थी जो हमारी घर की एनर्जी में होती थी, और वो हमारी घर की एनर्जी हमें उतनी एनर्जी दे देती थी कि हम कुछ ना कुछ करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लेते थे. भले हम उनसे बात नहीं करते थे, मोस्ट ऑफ आर प्रॉब्लम्स वी हैवन टोल्ड आर पेरेंट्स, राइट है ना, लेकिन घर की एनर्जी हमारी शक्ति बढ़ा देती थी. लेकिन आज वो घर में तनाव है, टेंशन है, वो वाइब्रेशनल एनर्जी डाउन है, तो वो बच्चा अपने आप को एनर्जाइज करे कैसे? और इसीलिए वो कोई और से जाके बात करता है जो उसकी बात सुनने के बाद अनबायस्ड, अनटच्ड. अगर आपका बच्चा आपको आ जाके बोले पता है मॉम मेरे साथ ये हुआ ये हुआ, 1 मिनट में आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कहाँ जाने लगेगी? इधर. लेकिन जब वो काउंसलर को जाके बोलते हैं मैम पता है मेरे साथ ये हुआ, बहुत प्यार से सुनते, कहते अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो वो काउंसलर से उनको एडवाइस नहीं चाहिए, एडवाइस उन सबके पास होती है, लेकिन उस काउंसलर से क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? वो काउंसलर अगर 7 पे है तो वो 7 पे ये बात सुनने के बाद,
लेकिन हम अगर सेवन पे थे तो बात सुनते 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 हमारी एनर्जी क्या होने लगती है, इसीलिए वो हमारे साथ बात नहीं शेयर कर सकते हैं। कैन वी बिकम द काउंसलर, कैन वी बिकम द काउंसलर? एंड आप काउंसलर हैं अपने बच्चों के फ्रेंड्स के लिए, और आपके फ्रेंड्स आपके बच्चों के लिए काउंसलर है। मीन्स एनीबडी हु डज नॉट कम लाइक दिस लिसनिंग टू माई प्रॉब्लम, एंड उसके लिए चाहिए पावर ऑफ डिटैचमेंट। अगर आपके फ्रेंड्स के बच्चे आपके पास आइडेंटिकल प्रॉब्लम लेकर आए ना, आप बिल्कुल पावरफुल रह के और आप कहेंगे बेटा कुछ भी नहीं है, ऐसे टू मिनट्स। लेकिन आपका बच्चा सेम बात लेकर आ जाए तो कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे कैसे हो गया, अब इसका क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रहा है, Why is it that I am able to create the higher vibrational energy for somebody else but not for my own child or for my any family member? Because I am attached to them. To attached hona achhi baat hai? Attached hona achhi baat hai? Attached hona achhi baat hai? Nahin? Aap detached hone ke liye ready hai? Nahin? अटैचमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन डिटैच तो हमें बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि हमें डिटैचमेंट का मीनिंग नहीं पता है, क्योंकि हमें डिटैचमेंट का मीनिंग नहीं पता है। डिटैचमेंट मीन्स अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट। जब मैं अटैच्ड हूँ मतलब मेरी स्टेट ऑफ माइंड दूसरे की स्टेट ऑफ माइंड के साथ अटैच्ड है, एंड इनका बिहेवियर मेरे स्टेट ऑफ माइंड पे अफेक्ट करता है बिकॉज हम अटैच्ड हैं। तो अटैचमेंट में रिएक्शंस आते हैं, अटैचमेंट में पेन आता है क्योंकि हम अटैच्ड हैं। और डिटैच्ड कैसे होगा कि आपका रिएक्शन है लेकिन मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, अपनी है, स्टेबल है, डिटैच्ड है। अगर फैमिली में वन मेंबर गोज थ्रू अ लो फेज तो बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल इन द हाउस को कैसे होने की जरूरत है? बट इफ वी आर अटैच्ड तो ऑटोमेटिकली हम सब कैसे हो जाएंगे? अगर चार लोग चल रहे हैं एंड देर इज अ पिट, लेकिन चारों अटैच्ड हैं फिजिकली, तो जब वो पिट आएगा ऑल फोर विल फॉल। लेकिन अगर वो डिटैच्ड हैं, सेपरेट हैं, तो वन विल फॉल। एंड जब वन विल फॉल व्हाट शुड द अदर थ्री डू? पुल देम आउट। या अदर थ्री शुड से हम आपसे इतना प्यार करते हैं, यही तो हो रहा है। हम कहते हैं लव यू सो मच दैट इज वाई एम वरिंग। इफ आई लव यू सो मच दैट आई शुड डू एवरीथिंग एल्स बट वरी, क्योंकि वरी तो आपके दर्द को और ही क्या कर देगा, नीचे ले आएगा। तो ये जो स्लोगन है द पावर टू एम्पावर, अब इसको घर में लिख लो। सेवा करते हैं ब्यूटिफुल, अब घर की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, कि मुझे घर पे सबको एम्पावर करना है, करना है ना। ये हमारी सफलता की निशानी नहीं है जो वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी डिप्रेसेंस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी एंग्जाइटी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज मेडिसिन। ये हमारी सफलता की निशानी नहीं है, ये हमारा फेलियर है। लेकिन ये अभी भी जस्ट टिपिंग स्टेज पर है। अगर हम इसको अभी पकड़ लेंगे तो वी आर टेकिंग अ यू टर्न। लेकिन अभी भी नहीं किया देन लेटर ऑन और मुश्किल। तो क्या हम अपने घर की और परिवार की इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी बना ले? बना ले, बना ले पक्का। और उसके लिए क्या आप अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाने के लिए रेडी हैं? यस। और उसके लिए कौन सी इमोशंस को अपनी लिस्ट से बाहर निकालना पड़ेगा? लिस्ट बनाते हैं छोटी सी फटाफट, बताते जाइए लो इमोशनल हेल्थ की कौन सी इमोशंस है। वन वरी, टू फियर, थ्री एंगर, फोर टेंशन, और हाँ जी अटैचमेंट, और एक्सपेक्टेशंस, और कंपैरिजन, पोजेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, कंपटीशन। लंबी लिस्ट है। इस सबको हम छोड़ पाएंगे? इतनी लंबी लिस्ट को, इतनी सारी चीज़ों को हम चेंज कर पाएंगे? बहुत डिफिकल्ट है, इतनी सारी है।
हमें इन सब की तरफ ध्यान भी नहीं देना है, हमें सिर्फ थोड़े से स्टेप्स लेने हैं जिससे हम इस बैटरी को सिर्फ क्या करना शुरू करते हैं, चार्ज करना शुरू करते हैं। और उसके लिए हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा। हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे संस्कार और हमारे कर्म। इस समय हमारी प्रायोरिटी है हमारी अचीवमेंट्स, एंड इट डज नॉट मीन हम अचीव नहीं करने वाले, हम सिर्फ कह रहे हैं प्रायोरिटी संस्कार और कर्म होने चाहिए। भाग्य किससे बनता है? भाग्य किससे बनता है? कर्म से बनता है, अचीवमेंट से नहीं बनता है। भाग्य कर्म और संस्कार से बनता है, पैसों से नहीं बनता है। भाग्य डेस्टिनी हमारी भी और उनकी भी। सो फर्स्ट स्टेप, जस्ट ब्रिंग संस्कार एंड कर्म ऑन योर टॉप प्रायोरिटी। ले आएंगे एक बार, ले आए एक बार, एक बार ले आए संस्कार एंड कर्म ऑन टॉप प्रायोरिटी। और इसका मतलब बाकी सारी चीजों के लिए अपना कंपैरिजन दूसरों से करना आज बंद कर दीजिए। क्योंकि जहां IQ की बात आती है, जहां टैलेंट और स्किल्स की बात आती है, जहां अचीवमेंट्स की बात आती है, वहां हम सब अलग अलग हो सकते हैं, राइट? किसी के पास वो थोड़ा ज्यादा है, किसी के पास कम है, विच इज फाइन। लेकिन उसके कंपैरिजन में चलते हुए हम अपनी EQ को डाउन करते हैं कि आई एम नॉट गुड एज एवरीबडी एल्स, तो आई एम नॉट सक्सेसफुल। एक स्कूल में दो बच्चे हैं, एक बच्चा हमेशा टॉप करता है एकेडमिक स्पोर्ट्स हर चीज में, लेकिन वो बहुत ईगोइस्टिक है, अपनी चीजें शेयर नहीं करता, ऐसे रहता है। लेकिन उसको सब लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसफुल। बोलते हैं कि नहीं सक्सेसफुल? बोलते हैं ना सक्सेसफुल। उसको प्राइज मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, अपलोड होता है, सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो हमेशा टॉप करता है। किस में टॉप करता है? परफॉर्मेंस में। और दूसरा बच्चा है वो बेयरली पास करता है, लेकिन वो बहुत हम्बल है, बहुत केयरिंग है, बहुत काइंड है, बहुत शेयरिंग है। उसको हम लोग क्या लेबल करते हैं? उसको हम क्या लेबल करते हैं? फेलियर। एंड ये है हमारा सबसे बड़ा फेलियर, ये है हमारा सबसे बड़ा फेलियर कि हमने अचीवमेंट को सक्सेस कहा और संस्कार अच्छे हैं लेकिन अचीवमेंट नहीं, तो हमने उस व्यक्ति को फेलियर कहा। ये हुआ हमारा फेलियर, और उसी फेलियर का रिजल्ट आज हमें मिल रहा है कि संस्कार और कर्म लोगों ने प्रायोरिटी पे रखे ही नहीं, क्योंकि हमने उसको कुछ वैल्यू नहीं दी। हमने कहा वैल्यू इज ओनली ऑफ व्हाट? अचीवमेंट, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन परफॉर्मेंस एंड पर्सन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? परफॉर्मेंस, पर्सन, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पर्सन। बस ये सेट कर लो, चाहे अपने लिए कि आई द पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल दैट आई परफॉर्म, एंड ना दूसरों को देखने के नजरिए में। यही हमारी छोटी सी गलती रही है पिछले कुछ सालों की, हमने सिर्फ और सिर्फ आउटर चीजों को देखा। किसी ने हमें, किसी ने बता दिया दिस इज सक्सेस, एंड वो ही हमारी सक्सेस की परिभाषा बन गई। वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, संस्कार, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके लिए कहा हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उसको तो एनर्जाइज करने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है ना हर रोज। उसके लिए हमने कहा टाइम नहीं है, क्योंकि हमने कहा जो ज़्यादा अचीव करता है वो सक्सेसफुल है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो हम भागते गए, तो हम रेस में भागते गए, नींबू पीछे गिर गया। और फिर सिर्फ हमारा नहीं गिरा, जो जिनके जिनके पैर हमारे साथ बंधे हुए थे उनका भी गिरा, उनका भी गिरा। सो दैट वॉज दैट संस्कार एंड कर्म, उसको प्रायोरिटी में नहीं रखा। अब अचीव करना, परफॉर्म करना, बट कीपिंग माई संस्कार्स इंटैक्ट, उसके लिए मुझे हर रोज अपना ध्यान रखना शुरू करना पड़ेगा। आप में से कौन कौन अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए हर रोज थोड़ा टाइम निकालते हैं? देखा, टाइम मिल जाता है ना, टाइम मिलता है। लेकिन हम में से कौन कौन अपने माइंड का ध्यान रखने के लिए रोज टाइम निकालते हैं? क्या करते हैं उसमें, क्या करते हैं उसमें?
अगर हम अपनी इमोशनल फिटनेस को बढ़ाएंगे, अगर हम अपनी इमोशनल फिटनेस को बढ़ाएंगे तो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी हमेशा यहाँ होगी. What is the meaning of detachment? Detachment means my state of mind is not dependent on anything, anyone, any object. हमारी state of mind कितनी चीज़ों पर dependent है? क्या लगता है? Dependent है? Dependent है हमारी state of mind? आप में से किस किस की state of mind आपके phone पर dependent है? अभी ऐसे फ़ोन को फेंको नीचे, उस पर क्रैक आएगा. जैसे ही उस पर क्रैक आएगा, किस पे क्रैक आएगा? यह आएगा अटैच्ड. ये अटैचमेंट होती है, मतलब इसको कुछ हुआ और मुझे दर्द हुआ तो आई एम अटैच्ड. ये मिला तो आई एम हैप्पी, आई एम अटैच्ड. ये चला गया तो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम अटैच्ड. मतलब मेरा ये किस पर डिपेंडेंट है? इस पर डिपेंडेंट है. आज सिर्फ एक लिस्ट बनाना, क्योंकि एक बार अटैचमेंट की फ्रीक्वेंसी पे आ गए तो वी आर नॉट जस्ट अटैच टू पीपल. हम सिर्फ लोगों से अटैच नहीं हैं, जैसे ही लोगों से अटैच होते गए हम चीज़ों से भी अटैच होते गए. हम अचीवमेंट से अटैच होते गए, हम अपने आइडिया से अटैच होते गए. माय आइडिया इज राइट. अटैचमेंट बहुत डीप होती जाती है. और डिटैचमेंट मतलब ये है तो भी मैं ठीक, ये नहीं है तो भी मैं ठीक. ये प्यार से बात करते हैं तो भी मैं ठीक, आज ये गुस्सा कर रहे हैं तो भी मैं ठीक, आज ये परेशान है तो भी मैं ठीक. और क्यों ठीक? क्योंकि मेरे ठीक होने से क्या होगा? याद रखना, हम सबकी टांगें बंधी हुई हैं उस रेस के अंदर. तो अगर एक थोड़ा भी हिलता है, दूसरा जना ठीक रहकर उसको क्या कर लेता है? करना है ना ऐसा. सो फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन, हु इज द क्रिएटर ऑफ माई इमोशंस? आई. इसको पक्का कर लो. और आज से ब्लेम गेम बंद करेंगे. आज से कभी नहीं बोलेंगे उनकी वजह से, उसकी वजह से मैं ऐसे. दिस इज पावर, दिस इज द फर्स्ट पावर. कि मेरी इमोशंस कौन क्रिएट करता है? बोलिए. I and only I. तो अगर anger create किया तो किसने create किया? I. Do not have a line with that saying because of them. No. वो सिर्फ एक situation है. Anger किसने create किया? मैंने. This is power. And क्योंकि मुझे पता है मैंने create किया, तो change भी कौन करेगा? कितनी देर में? कितनी देर में change करेंगे? तो उनके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म. दिस इज पावर. अभी क्या हो रहा है? उन्होंने ऐसा किया तो मुझे बुरा लगा. अब रोएंगे कब तक? जब तक वो चेंज नहीं होंगे. मूड ठीक कब होगा? जब वो सॉरी बोलेंगे. फिर अगर उन्होंने ऊपर ऊपर से सॉरी बोला तो भी मूड ठीक नहीं होता. एंड हम कहते हैं पावर टू एम्पावर. हम इतने ज्यादा डिसएम्पावर्ड हो जाते हैं. ये डिपेंडेंसी है, ये प्यार नहीं है. ये हमें भी कमजोर बनाती है, दूसरे को भी कमजोर बनाती है. लेकिन अगर मुझे याद रहा कि ये इमोशन किसने क्रिएट किया? मैंने. भले बुरा लगा, फाइन, लेकिन मुझे पता है ना ये हर्ट भी किसने क्रिएट किया? मैंने. तो ठीक भी कौन करेगा? मैं. कितनी देर में? कितनी देर में? Choice is mine. रोना है, चाहे मन में रोना है, चाहे आंखों से रोना है. कितनी देर रोना है? एक मिनट रोना है, एक मिनट रो. दस मिनट रोना है, दस मिनट रो. एक घंटा रोना है, एक घंटा रो. But don't say वो चेंज होंगे then I'll be fine. वो रियलाइज करेंगे then I will be fine. वो apologize करेंगे then I will be fine. Then I'm standing like this. And ये मेरी शक्ति को क्या करता जाता है? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मुझे बहुत कमज़ोर बनाता है, डिपेंडेंट. अगर आज हम फिजिकली डिपेंडेंट हो जाएं कि मुझे कोई उठाकर वॉशरूम तक लेकर जाए, मुझे कोई उठाकर डाइनिंग टेबल तक लेकर जाए. कभी होता है ना तबीयत ठीक नहीं होती है तो आई नीड हेल्प. लेकिन वो हमें पता होता है कि आई एम वीक, आई नीड हेल्प. सो समबडी हैज़ टू होल्ड मी, समबडी हैज़ टू टेक मी. लेकिन हम जल्दी जल्दी से अपने आप को क्या करते हैं? ठीक कर लेते हैं.
एंड फिटनेस मीन्स आई डोंट नीड हेल्प. हम खुद चलेंगे ना, राइट राइट और रॉन्ग. तो इमोशनल फिटनेस मीन्स आई डोंट नीड हेल्प. ये इमोशन किसने क्रिएट की? मैंने. किसी ने आपको कभी हर्ट किया? आपको कभी किसी ने हर्ट किया? किया? हाँ, एक मिनट आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ जी. क्या चीज? अच्छा, कितनों को लाने का अभी देखते हैं. एक मिनट आंख बंद करो, अभी एक को ही ले आओ, बाकी सब वैसे ही डिलीट हो जाएंगे साथ में. एक को लेकर आओ, एक को. क्लोज योर आइज, ब्रिंग दैट सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड. क्या किया था उन्होंने उस दिन? क्या बोला था? कैसे बोला था? कितने लोगों के सामने बोला था? जस्ट विजुअलाइज दैट एंटायर सीन. और उनकी पावर देखो, उनके शब्दों की पावर देखो. ये सब उन्होंने किया था, लेकिन जो मैंने उस समय सोचा, द थॉट्स दैट आई क्रिएटेड आफ्टर दे सेड और डिड व्हाट दे सेड एंड डिड, वो थॉट्स किसने क्रिएट किए थे? वो कौन क्रिएट कर रहा था? और अभी तक मैंने वो पकड़ के रखी हुई है, तो वो पकड़ के किसने रखी हुई है? और अगर आज उसको छोड़ना है तो किसने छोड़ना है? क्योंकि उसको पकड़ के रखने से मैंने अपनी वाइब्रेशन को क्या किया है? आई हैव केप्ट एन एनर्जी डिप्लीटेड ऑन माई माइंड. वो सिर्फ मेरी शक्ति को नीचे नहीं ला रहा, वो मेरी बॉडी की वाइब्रेशनल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है. सिर्फ एक थॉट क्रिएट कीजिए, कैसे होगा वो बाद में देखेंगे. आप सिर्फ एक थॉट क्रिएट कीजिए, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर. बोलिए मन में, मन में, पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर. आई रिलीज, आई लेट गो. आई रिलीज, आई लेट गो. आई फॉरगिव, आई फॉरगेट. ये सिर्फ आप अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. Past is past, it's over. I release, I let go, I forgive, I forget. बात बीत चुकी, खत्म हुई, मैं उसको बिंदी लगाती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ और मैं बात को खत्म करती हूँ. ओके, वापस आइए. क्या ये लाइंस आप बोल सकते हैं अगले 10-15 दिन के लिए हर रोज? सिर्फ बोलिए, कुछ और करना नहीं है. कर सकते हैं? कौन कौन रेडी है? बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं. अब क्या होता है, जिस दिन वो बात हुई थी उस दिन हमने कुछ बोला था अंदर, उन्होंने वहां बोला था, मन में किसने बोला था? हमने बोला था. प्लीज रियलाइज द पावर ऑफ द अदर पर्सन एंड प्लीज रिमेंबर योर ओन पावर. अपनी शक्ति याद रहनी चाहिए. उनके पास क्या शक्ति है कि वो बार बार हमारे साथ गलत बात कर सकते हैं? ये उनके पास शक्ति है. उनके पास ये शक्ति है कि वो सिर्फ अकेले में नहीं, चार लोगों के सामने हमारे साथ ऐसे बात कर सकते हैं. ये उनके पास शक्ति है. लेकिन जब वो ऐसे बात करते हैं, उनको सुनकर जो हम खुद से बात करते हैं, मुझे ऐसा कहा, इतना इनके लिए किया तो भी ऐसा ही सुनने को मिलता है. दिस इज ऑल जेन्युइन दैट टाइम. लेकिन वी ओनली नीड टू रिमेंबर हु इज सेइंग इट टू मी. वो जो बोल रहे हैं ना, वो मुझे यहां से सुनाई देता है. और मैं जो बोल रही हूं ना, वो कहां रिकॉर्ड हो जाता है? प्लीज रिमेंबर, अदर पीपल्स वर्ड्स डू नॉट गेट रिकॉर्डेड ऑन यू. ये आत्मा है, ये एक सीडी की तरह इस पर रिकॉर्ड 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 होता जा रहा है. लेकिन दूसरों के थॉट्स एंड वर्ड्स आपकी सीडी पर रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं. दूसरों के थॉट्स एंड वर्ड्स कौन सी सीडी पर रिकॉर्ड होते हैं?
किस पर रिकॉर्ड होते हैं? अभी मैं बोल रही हूँ ना, सो वट एवर आई एम सेइंग वो किसकी सीडी पर रिकॉर्ड हो रहा है? वो मेरी सीडी पर रिकॉर्ड हो रहा है. आप उसको सुन रहे हैं और उसको सुनने के बाद वॉट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ वो किसकी सीडी पर रिकॉर्ड हो रहा है? वो आपकी सीडी पर रिकॉर्ड हो रहा है. तो आई डोंट हैव द पावर कि मैं आपकी सीडी पर कुछ भी रिकॉर्ड कर सकूं. आई ओनली हैव द पावर कि आई टेक केयर मैं अपनी सीडी पर क्या रिकॉर्ड कर रही हूं. और जब मैं ये कर रही हूं, आपके पास पावर है कि आप मेरी बात सुनकर अपनी सीडी पर क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं. बहुत सारे ऑप्शन हैं इस समय. कोई कहेगा क्या बेकार की बातें हैं, इनके ना खुद के बच्चे हैं, ना इनको पता है फैमिली कैसे संभालनी है, ऐवे बात कर रहे हैं, डिटैच्ड, रिकॉर्ड कर लिया. कोई कहेगा ठीक लग रही है लेकिन मुश्किल बहुत है घर पे करना, ये पॉसिबल नहीं है कि डिटैच रहकर हम घर पे रहे, रिकॉर्ड कर लिया. कोई ने कहा मुश्किल तो लग रहा है बट करके देखना चाहिए, वर्क होता है या नहीं होता, रिकॉर्ड कर लिया. कोई ने कहा अच्छा लग रहा है सुनने में, ये मैंने करके ज़रूर देखना है, रिकॉर्ड कर लिया. हु इज़ रिकॉर्डिंग? आई एम रिकॉर्डिंग. नो, हु इज़ रिकॉर्डिंग? यू आर रिकॉर्डिंग. तो पावर, अपनी पावर पता होनी चाहिए. मेरे पास क्या पावर है? यहाँ से बोलते जाओ आप, दो घंटा क्या, आप दो दिन बैठो, आई कैन टॉक फॉर टू डेज ऑल्सो. ये मेरी पावर है. सिमिलरली आपको जो ताने मार रहे हैं, आपके ऊपर जो चिल्ला रहे हैं, आपको साथ कोई गलत बिहेव कर रहा है, वो उनकी पावर है. वो जीवन भर कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन वो आपकी सीडी पर कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते. वो सिर्फ वहाँ बोल सकते हैं और जितना वो बोल रहे हैं वो सारा कुछ कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? उनकी सीडी पर हो रहा है. आपकी पावर क्या है? आपकी पावर है आप अपनी सीडी पर ध्यान से रिकॉर्ड कीजिए. क्योंकि जो आप अपनी सीडी पर रिकॉर्ड करेंगे मींस व्हाट यू विल से टू योरसेल्फ इज गोइंग टू डिसाइड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. होगा या नहीं होगा? यस. तो कोई चिल्ला रहा है, आप थॉट क्रिएट करो आज बहुत परेशान है इसलिए ऐसा कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग इतना मैंने सुबह से किया, इन्होंने आकर मुझ पे चिल्ला दिया, दैट्स इट. ऐसा नाउ डिपेंड्स ऑन विच लाइन आई रिकॉर्ड, दैट विल डिसाइड मेरा आज का दिन कैसा बीतेगा. क्योंकि एक बार रिकॉर्ड कर दिया फिर वो ऑटो मोड पे तो चला ही जाता है पूरे दिन के लिए. और फिर एक थॉट से और थॉट्स आती हैं, फिर अपनी रिकॉर्डिंग सुन सुन के थक जाते हैं तो दूसरों के पास बैठ के प्ले बटन दबा के उनको भी सुनाते हैं. फिर कहते हैं मन इतना भारी हो गया था, किसी को तो सुनाना ही था ना मैंने. तो ऐसी रिकॉर्डिंग करो क्यों जो किसी को सुनानी पड़े. एंड जब हम दूसरे को भी सुना रहे होते हैं ना, तो किसके ऊपर रिकॉर्ड हो रहा होता है? इसीलिए अपने जीवन का रोना मत रोया कीजिए, मत कीजिए. ये बहुत बड़ा मिथ है विच सेज जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं. कैसे हल्के हो सकते हैं नेगेटिव बात बोलकर? हल्के तब होंगे अगर हम अपनी रिकॉर्डिंग को चेंज करते हैं. हल्के तब होंगे कि अगर आप किसी को एक लाइन में कुछ बताते हो, सामने वाला आपको चार अच्छी लाइनें सुनाता है, फिर आप उस लाइन को लेते हो और फिर उसको अपने ऊपर रिकॉर्ड करते हो, तो हल्के होंगे. लेकिन अगर सिर्फ आप उनको अपनी बात सुनाते गए और वो सुनते सुनते बोलते गए, हो उन्होंने आपको ऐसा बोला, यू शुड नेवर फॉरगिव हिम, आप फॉरगिव करोगे तो वो बार बार आपके साथ ऐसा ही करेंगे, फिर तो वो चार लाइनें और गलत रिकॉर्ड हो जाती है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. ये बहुत बड़ा मिथ है कि मन भारी हो गया तो दूसरों को सुना दो. मन भारी हो गया तो अपनी रिकॉर्डिंग को चेक करो और प्यार से बैठकर अपनी रिकॉर्डिंग को चेंज करो. क्योंकि रिकॉर्डिंग मैंने की थी और पावर टू चेंज उसकी किसके पास है? मेरे पास है. इवन अगर आपको कोई और कुछ सुना दे, वो आपके माइंड पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता है. बहुत लोग हमारे पास बहुत सुनाते हैं, हम उनको उसके रिटर्न में सुनाते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं, घर जाते हैं, फिर अगले दिन फ़ोन पे मैसेज बोलते हैं, हाँ आपकी बात ठीक थी लेकिन मैं अभी भी परेशान हूँ, तो रिकॉर्डिंग तो की नहीं उन्होंने. बिकॉज नोबडी एल्स कैन डू इट फॉर यू. कोई आपके लिए नहीं कर सकता है. नोबडी कैन रिकॉर्ड ऑन योर माइंड. दैट पावर ओनली लाइज विथ यू. तो लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव करें या लोग हमारे साथ गलत बिहेव करें, हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करेंगे वो पावर मेरे पास है. इवन द अदर वे राउंड, कोई आपके लिए बहुत अच्छा करे लेकिन आप उसके अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ के कुछ और रिकॉर्ड कर लो, होता है ऐसे या नहीं होता?
आज कोई आपके साथ बहुत अच्छा बात कर रहा है, वो सुबह सुबह बहुत अच्छे मूड में आपके साथ बात करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा आज बात कर रहे हैं, आप बोलते हैं इनको आज क्या चाहिए, आई बेटर टेक केयर, ये शाम तक मुझे कुछ बोलने वाले हैं आज, मुझे मालूम है। सो दिस इज माई चॉइस ना, कि मैंने अपने ऊपर क्या रिकॉर्ड किया। तो हर्ट किसने रिकॉर्ड किया, हर्ट किसने रिकॉर्ड किया, हु रिकॉर्डेड द हर्ट, बी वेरी क्लियर, हु रिकॉर्डेड द हर्ट, बोलिए आई रिकॉर्डेड द हर्ट, हु विल चेंज इट, आई। तो डोंट एवर से कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, सारी लिस्ट ऑफ नेम्स गेट्स डिलीटेड एंड ओनली वन नेम्स कम्स ऑन द लिस्ट, कि कौन मुझे हर्ट करता है, कौन करता है, ना मुझे कोई हर्ट कर सकता है, ना मुझे कोई परेशान कर सकता है, ना मुझे कोई इंसल्ट कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ वहाँ खड़े होकर कर सकते हैं और खुद पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, इट विल ओनली गेट रिकॉर्डेड ऑन देम, वो उनका कर्म और संस्कार बनेगा, और जो उनका कर्म और संस्कार बनेगा वो उनकी डेस्टिनी में आएगा, और उनको सुनकर हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो हमारा कर्म और संस्कार बनेगा, और जो हमारा कर्म और संस्कार बनेगा वो मेरा फ्यूचर, वो मेरी डेस्टिनी बनेगा। तो ध्यान से रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। अब अगर कोई गलत कुछ बोल रहा है, क्या हम अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब गलत सुनते जाओ और अच्छा रिकॉर्ड करते जाओ, कर सकते हैं, कर सकते हैं? हाँ जी, इवन इफ यू शिफ्ट फ्रॉम दे आर डूइंग दिस टू मी, ये जो एनर्जी होती है ना, दे आर डूइंग दिस टू मी, ये हमें पेन में लेके जाती है, क्योंकि हम अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं, मैं बेचारी, लोग मेरे साथ गलत करते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट शिफ्ट टू दे आर इन पेन, अगर कोई गलत तरह से बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है या गलत काम कर रहा है, तो इज दैट पर्सन इमोशनली फिट दैट टाइम, इज दैट पर्सन इमोशनली फिट दैट टाइम, यस और नो? नो। तो अगर वो इमोशनली फिट नहीं है तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए या उनसे परेशान होना चाहिए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए या हमें उनसे परेशान होना चाहिए? अगर वो फिजिकली अनफिट होते हैं तो हम उनका ध्यान रखते हैं ना, तो अगर वो इमोशनली अनफिट हैं तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, करना चाहिए? यस। क्या आप ये सिर्फ एक थॉट उस टाइम क्रिएट कर सकते हैं, दे आर इन पेन, चार शब्द बोलिए, इतना याद रख लेंगे लाइन उस टाइम पे? जब आप याद रखेंगे दे आर इन पेन, आप ये नहीं बोलेंगे दे आर द कॉज ऑफ माई पेन, दोनों में से एक ही लाइन रिकॉर्ड हो सकती है। और जैसे ही मुझे याद आया दे आर इन पेन, मेरी तरफ से कौन सी एनर्जी जानी शुरू हो जाएगी, कंपैशन, एम्पथी, पावर, केयर। लेकिन जैसे ही मैंने कहा दे आर द कॉज ऑफ माई पेन, तो कौन सी एनर्जी जानी शुरू हो जाएगी, हर्ट, डिसरिस्पेक्ट। दोनों में वाइब्रेशनल कितना फर्क है, कितना फर्क है। और आपको लगता है दे आर इन पेन व्हेन दे आर बिहेविंग लाइक दैट? कई लोग बोलते हैं वो जान पूछ कर मुझे तंग करने के लिए ऐसा करते हैं। भाई जान पूछ कर आपको तंग करने के लिए कोई कभी कुछ ऐसा नहीं करता, वो खुद खुद से बहुत तंग है इसलिए वो ऐसा करते हैं, वो हमें तंग करने के लिए कोई नहीं करता ऐसा कुछ भी। दे आर ट्रबल्ड इन देयर माइंड, उनका इमोशनल इंडेक्स इस टाइम डाउन है, तो वो उसी वाइब्रेशन पर बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमें ये नहीं देखना है कि उनसे हमें क्या मिल रहा है, हमें ये देखना है हमसे उनके पास क्या जा रहा है। अगर मुझे याद रहा दे आर इन पेन, तो अब मेरी फ्रीक्वेंसी कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी? अब हमारी फ्रीक्वेंसी जाएगी व्हाट कैन आई डू फॉर देम, एंड इफ आई से दे आर द कॉज ऑफ माई पेन, देन आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम देम एंड देन आई बिकम अ विक्टिम। तो दो ही ऑप्शन है हर स्टेप पर, ईदर बिकम द विक्टिम और बिकम द मास्टर। दोनों में से किधर जाना है, दोनों में इधर और इधर का फर्क है, इधर और इधर का फर्क है। तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, हमारे संस्कार और कर्म। अब आप फिर से आंख बंद कीजिए, फिर से वो सिचुएशन लेकर आइए, उन्होंने जो भी उस दिन किया, आप अपनी रिकॉर्डिंग को अभी चेंज कीजिए,
क्योंकि अगर आपने अपनी रिकॉर्डिंग को आज चेंज नहीं किया, वो रिकॉर्डिंग इटर्नल आपके ऊपर रहेगी। और फिर क्योंकि वो रिकॉर्डिंग रहेगी, जब अगली बार कोई कुछ करेगा तो वो रिकॉर्डेड गाना फिर से प्ले होने लग जाता है। इसलिए रिकॉर्डिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए, नहीं तो फिर वही गाने प्ले होते हैं, दे डोंट लव मी, ही डजेंट लव मी, शी डजेंट लव मी, नोबडी केयर्स फॉर मी, वो गाना एक बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है पिक्चर का, बिकॉज आई रिकॉर्डेड इट हियर वंस एंड इफ आई डोंट चेंज द रिकॉर्डिंग, वो मेरी रिकॉर्डिंग रहती है एंड वन डे आई द सोल लीव दिस बॉडी एंड आई टेक माई रिकॉर्डिंग्स विथ मी। एंड इसीलिए आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे वो जो कहते हैं दे डोंट लव मी, दे डोंट केयर फॉर मी, यू डोंट लव मी, यू कहते हैं, उनको किसने सिखाया ये सारा कुछ? उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो पिछले कॉस्ट्यूम में से रिकॉर्ड करके लाए थे। फिर हम लेके जाते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए, देखने के लिए कि हमने पिछली बार क्या रिकॉर्ड किया था। हमें नहीं जाने की जरूरत है देखने के लिए कि पिछली बार क्या रिकॉर्ड किया था, चाहे पिछली बार किया था या इस बार किया था। चेंज तो किसको करना पड़ेगा? हमें ही चेंज करना पड़ेगा। हमें क्यों जाना है देख के सीडी रिवाइंड करके कि पिछली बार क्या रिकॉर्ड किया था? हाउ डज इट मैटर कि क्या रिकॉर्ड किया था? चेंज तो किसको करना पड़ेगा? मुझे। कब करना पड़ेगा? अभी, बिकॉज द पावर इज इन द नाउ। पावर अभी है। तो मेरा भाग्य कौन बना रहा है? मेरा भाग्य कौन बना रहा है? मैं। ओनली एंड ओनली आई। डू नॉट बी द विक्टम एवर, डू नॉट बी द विक्टम एवर, चाहे आपके साथ कितनी भी बड़ी बात हो जाए। एंड कितनी भी मतलब कितनी भी मतलब कितनी मतलब कितनी भी, वो बात है, वो सिचुएशन है, उसके बारे में आपने कैसे सोचना है उसका रिमोट कंट्रोल आपके पास है। बातें हमारी डेस्टिनी नहीं बनाते हैं, बातों के बारे में हम कैसा सोचते हैं वो हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। एंड हमने कैसा सोचना है उसकी पावर किसके पास है? हमारे पास है। और जैसे ही हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, डिटैचमेंट हैज स्टार्टेड। डिटैचमेंट ओनली मीन्स आप कोई भी फ्रीक्वेंसी पे हो, मेरी फ्रीक्वेंसी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। एंड अटैचमेंट मीन्स आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो, मैं वहीं उसी फ्रीक्वेंसी पे हूँ क्योंकि आई एम अटैच्ड। एंड जैसे ही हम अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी पे लेकर जाना शुरू करते हैं, सिर्फ हमारी एनर्जी ऊपर नहीं बढ़ती, हमारे घर की एनर्जी ऊपर बढ़ जाती है, हमारे संग में जितने लोग हैं उनकी एनर्जी ऊपर बढ़ जाएगी। एंड दैट विल बी द पावर टू एम्पावर। यस यस, करना है, करना है, यस। एंड इट्स वेरी सिंपल। एक सबसे इम्पोर्टेंट, हर रोज अपने आप को एम्पावर करने के लिए टाइम निकालिए, कुछ स्टेप्स लीजिए। सेकंड, प्रायोरिटी क्लियर कर लीजिए कि वर्क करना है, अचीव करना है, परफॉर्म करना है, लेकिन संस्कार और कर्म मेरी प्रायोरिटी है, संस्कार और कर्म मेरी प्रायोरिटी है, मेरी अपनी भी और मेरे परिवार की भी। थोड़ा सा कम अचीव किया नो प्रॉब्लम, लेकिन संस्कार और कर्म हाईएस्ट होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, काम भी मैनेज करना है, घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी मैनेज करने हैं, हमसे होता नहीं है सब कुछ। सब कुछ करते करते हम थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो मन थक जाता है, और जब मन थक जाता है तो वो इरिटेबल होने लगता है। लेकिन हम भागते जा रहे हैं क्योंकि हम कहते हैं वो लोग भाग रहे हैं तो मुझे भी भागना चाहिए। किसके साथ रेस में? Why are we in a race with people? That race is never ending। वो कभी भी खत्म नहीं होगी। काम कीजिए, परफॉर्म कीजिए, लेकिन उतना कीजिए जितना कंफर्टेबल हो रहा है। हर एक की कैपेसिटी अलग 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 होती है, लेकिन उतना करना चाहिए जितना आप कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं। जिसको करने के लिए आपको खुद को, परिवार को, घर को निग्लेक्ट नहीं करना पड़ता है। किसी ने एक शुरू कर दिया, वी आर इक्वल। हाउ कैन वी बी इक्वल? वी आर डिफरेंट। इक्वल का क्या कॉन्सेप्ट था? व्हाई आर वी कंपेयरिंग कि वी आर इक्वल विद मेन? वी आर नॉट, वी आर डिफरेंट। हमारा रोल डिफरेंट है, उनका रोल डिफरेंट है, हमारा संस्कार डिफरेंट है, उनका संस्कार डिफरेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट है। लेकिन किसी ने कहा हम कम नहीं है, हम इक्वल हैं। हम ना कम हैं
ना हम ज्यादा हैं, हम अलग हैं। और इस अलग को याद रखिएगा। हम सब कुछ में कंपैरिजन करते गए, हमने कहा वो ऐसा करते हैं हमें भी ऐसा करना है, वो ऐसे करते हैं हमें भी ऐसा करना है। वो सारी चीजें जिनके लिए हम उनको मना करते थे आज हमने उनके साथ करनी शुरू कर दी है, बिकॉज वी आर इक्वल। वी ग्रो अप इन अ फैमिली जहां मम्मी पापा से झगड़ा करती थी, भाई ड्रिंक नहीं करो, स्मोक नहीं करो। आज बच्चे उस घर में बड़े हो रहे हैं जहां मम्मी पापा इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं एंड बच्चों को कह रहे हैं वी आर फ्रेंड्स नाउ, तुम भी हमारे साथ बैठ के करो। यू नो द कॉन्सिक्वेंस इसका जो निकल कर आएगा। वी आर नॉट इक्वल बिकॉज दे डोंट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। Do they give birth to a child? No. लेकिन वो 16 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, 18 साल की लड़की कॉलेज में कहती है वी आर इक्वल और वो ये सारे सब्सटेंस कंज्यूम करती है एंड 10 ईयर्स लेटर शी हैज टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। कॉन्सिक्वेंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? उस घर की मदर की हुई। ऐसे नहीं कहा गया था कि नारी शक्ति, नारी को शक्ति कहा गया है। उस शक्ति को किसी और के साथ अपने आप को न कंपेयर करना है, न किसी से खुद को नीचा फील करना है, तो ना ही किसी से अपने आप को ऊपर फील करना है। हमारे संस्कार, हमारे कर्म, हमारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों से इक्वल होने के प्रोसेस में खुद की हिल गई। और क्योंकि नारी शक्ति परिवार का आधार स्तंभ है, फाउंडेशन है, तो आधार हिला तो परिवार हिल गए। हिले या नहीं हिले? हिले। बट वी से व्हाई शुड आई, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट, आई ऑल्सो गो आउट, वर्क, अचीव, डू एवरीथिंग। लेकिन लेकिन अपनी फाउंडेशन को हिलने नहीं देना, क्योंकि जब फाउंडेशन हिलेगी पूरा परिवार हिलेगा, और जब पूरा परिवार हिलेगा आप स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। सो इट्स टाइम टू पॉज, पॉज एंड चेक। बहुत काम करो लेकिन उतना काम करो जो आपका माइंड कंफर्टेबली कर सके। थके हुए, फटीग्ड, इमोशनली फटीग्ड एंड देन एवरी डे कंप्लेनिंग आई डोंट गेट टाइम फॉर माई सेल्फ, तो पॉज ना। क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? किचन में जाने के लिए 10 मिनट नहीं मिलते, नहीं मिलता ना टाइम किचन में जाने के लिए, नहीं मिल रहा ना फिर। एंड फिर आपके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको तो पता ही नहीं खाना बनाना कैसे होता है, तो वो तो जाएंगे ही नहीं। आपके पास टाइम नहीं है, वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने सोचा सिखाने की भी जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमारे आधार स्तंभ और फैमिली यूनिट को हिला देंगी आने वाले समय में। अब ये सब कुछ बहुत ओल्ड फैशन साउंड करता है, लेकिन ये ओल्ड फैशन नहीं है, ये हेल्दी फैशन है, ये हेल्दी है। इसका मतलब ये नहीं है मुझे परफॉर्म नहीं करना, अचीव नहीं करना। इसका मतलब है मैं परिवार का भी ध्यान रखूं, उनका भी ध्यान रखूं। फिर हम कहते हैं मैं ही क्यों रखूं, वो भी रखें, तो लड़ते रहो एक दूसरे के साथ, करते रहो। बैलेंस, बैलेंस के साथ चलेंगे, खुद भी इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, और जब आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे आपकी फैमिली इमोशनली स्ट्रांग रहेगी। फाइनली व्हेन यू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, आपके संस्कार उस बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उसको कहा ही जाता है गर्भ संस्कार, द संस्कार इन द वूम्ब ऑफ द मदर। सो वेदर इट इज द फिजिकल हेल्थ ऑफ द मदर, वेदर इट इज द इमोशनल हेल्थ ऑफ द मदर, दैट इज इम्पैक्टिंग द नेक्स्ट जेनरेशन। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द मदर डज नॉट इम्पैक्ट द चिल्ड्रन, इट इज द फिजिकल एंड द इमोशनल हेल्थ विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट। तो अभी से ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चों के जो बच्चे हैं वो पावरफुल एनर्जी पर आएंगे। गेट द इक्वेशन राइट, नहीं तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल नहीं दिखाई देता। फिर हमारा फ्यूचर ये होगा, आज हम बोलते हैं आई एम स्ट्रेस्ड, 5 साल बाद बोलेंगे आई एम डिप्रेस्ड, 5 साल के बाद बोलेंगे डिप्रेशन इज नॉर्मल। इसके लिए हमने इतनी मेहनत थोड़ी की थी टू से दिस, मेहनत इसलिए की थी सो दैट आर होल फैमिली सेज हैप्पीनेस इज नॉर्मल, राइट? आर होल फैमिली सेज हेल्थ इज नॉर्मल, नॉट दैट वी आर सेइंग आजकल तो पता ही नहीं किसी भी एज में कोई भी बीमारी होती जा रही है। एंड फिर डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल, तो फिर पॉज करके लाइफस्टाइल को चेक कर ले,
चेक कर लें तो ऑलवेज रिमेंबर यू आर द फाउंडेशन ऑफ योर हाउस. आपकी इमोशनल हेल्थ पर आपके परिवार की इमोशनल हेल्थ खड़ी है. है या नहीं है? है या नहीं है? है. सो उस पावर को यूज़ कीजिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़िए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़िए. सिर्फ आपका भाग्य नहीं बदलेगा, आपकी पूरी फैमिली का भाग्य बदल जाएगा, बिकॉज यू आर द फाउंडेशन. तो क्या हम अपने लिए रोज थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं? रेडी है? पक्का? आज से बिल्कुल भी ये नहीं कहना आई डोंट हैव टाइम. पहले हम भागते हैं फिर थकते हैं, फिर हम गिल्ट क्रिएट करते हैं फिर थकते हैं. इफ यू हैव चोजन टू वर्क देन नेवर क्रिएट गिल्ट अबाउट इट. ऑफिस में बैठते हैं और बोलते हैं आई शुड हैव बीन विद माई चाइल्ड, देन गो एंड बी विद योर चाइल्ड. लेकिन यहां से बैठकर बोलते हैं आई शुड हैव बीन, तो आप एनर्जी डिप्लीट कर रहे हैं अपनी भी और उनकी भी, क्योंकि आप यहां से बैठकर उनको वो एनर्जी भेज रहे हैं. गिल्ट इज द बिगेस्ट एनर्जी डिप्लीटर, बिगेस्ट एनर्जी डिप्लीटर. तो जो कर रहे हैं कॉन्शियसली चूज करके कर रहे हैं. एक बार कॉन्शियसली कुछ चूज करके किया फिर उसके बारे में गिल्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? गिल्ट तो तब क्रिएट करना चाहिए जब कुछ गलत किया है, जब कुछ गलत थोड़ी किया है. कॉन्शियसली चूज करके किया है, अब उसको सिर्फ क्या करना है? बैलेंस करके करना है, बैलेंस करके करना है, ताकि ना हम हिले और ना जो सब हमारे फाउंडेशन पर खड़े हैं वो भी नहीं हिलने चाहिए. सो हर रोज के लिए अपने आप के लिए कम से कम आधे घंटे का समय निकालें. निकाल सकते हैं सुबह आधे घंटे का समय, है ना? हम सब निकाल सकते हैं. अपने दिन की शुरुआत में मेडिटेशन को इंटीग्रेट कर दें फॉर एवर एज अ डेली रूटीन. इस बैटरी को चार्ज करना है, इस बैटरी को चार्ज करना है, तो मेडिटेशन को उसमें फिट कर दें. ये नहीं कहें टाइम होगा तब करेंगे, नहीं करेंगे तो बहुत टाइम आ जाएगा, क्योंकि जब यहाँ थॉट्स, वेस्ट थॉट्स बंद हो जाती हैं हमारा टाइम बढ़ जाता है. सो एवरी डे कीप हाफ एन आवर फॉर योरसेल्फ एंड बिगिन योर मॉर्निंग विद मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल स्टडी. क्योंकि आज हम बहुत सारा दूसरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ना, दूसरा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो इतना हेल्दी नहीं है और इसीलिए हमारी इमोशंस वो कंटेंट की वजह से भी डिप्लीट हो रही हैं. तो कम से कम थोड़ा सा हेल्दी कंटेंट रोज डालना चाहिए. जिस क्वालिटी का कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे उसी क्वालिटी की थॉट्स बनेंगे. अपने कमरे में और अपने घर में एक पोस्टर बना के रख लो, व्हाट आई वॉच रीड लिसन इज हु आई बिकम. हम जो सुनेंगे पढ़ेंगे देखेंगे वो हम बनेंगे. तो ध्यान रखो कौन से सीरियल टीवी पे चल रहे हैं, कौन सी सीरीज सारा दिन चल रही है, कौन सी आप अपने फोन पे देख रहे हो. व्हाट्स द वाइब्रेशनल क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट? यू कैन नॉट कंज्यूम लो वाइब्रेशनल कंटेंट एंड लिव ऑन अ हाई वाइब्रेशन इन योर लाइफ. वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकेगा. सो डोंट चीट योर सेल्फ. अपने आप के साथ धोखा कभी नहीं करना इतना बड़ा. जस्ट बिकॉज सब लोग देख रहे हैं इसलिए मुझे देखना है, नो. सब लोग बोलेंगे हाँ बोरिंग, तुमने वो देखा ही नहीं. बोलो नहीं देखा. हैव द पावर टू से इट कि नहीं मैंने नहीं देखा. यू डोंट हैव दिस, हाउ बोरिंग. आई डोंट हैव. और बताओ. एवरीबडी इज अलाउड टू हैव एन ओपिनियन अबाउट मी. आप सब कुछ वो करोगे जो दुनिया कर रही है, स्टिल पीपल विल हैव एन ओपिनियन अबाउट यू. माइट एज वेल डू वॉट इज हेल्दी फॉर योर सेल्फ. यस. तो हर रोज की मॉर्निंग कम से कम आधा घंटा अपने लिए रख के स्पिरिचुअल कंटेंट 10-15 मिनट कंज्यूम करना है, 10 मिनट्स उसके ऊपर मेडिटेशन करना है और सारा दिन में अटेंशन रखना है कि माय थॉट इज माय चॉइस. रिएक्टिव मोड में नहीं चलना है, इंडिपेंडेंट. सिचुएशन कुछ भी हो, मेरी इमोशंस मेरी चॉइस है. यूज योर पावर. एंड बहुत जल्दी आप देखेंगे जैसे ही आप अपने वाइब्रेशन को उठाएंगे, द फर्स्ट पीपल हु विल गेट इम्पैक्टेड विल बी योर चिल्ड्रन. उनके अंदर तो शिफ्ट ऐसे आता है, एक महीने के अंदर आपको उनके अंदर शिफ्ट दिखाई देगा अगर आपने अपने आप को ऊपर उठा लिया. इतना ज़्यादा कनेक्ट है वो, इतना स्ट्रांग कनेक्ट है. लेकिन ध्यान रखना अगर वो डाउन जा रहे हैं तो आप डाउन नहीं जाना, आप और ऊपर चले जाना अगर वो डाउन जा रहे हैं. अगर आपके घर में कोई डाउन जा रहा है आप फटाफट अपने आप को और ऊपर कर दो, ताकि आपकी वाइब्रेशन उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगी और वो फटाफट से ऊपर आ जाएंगे. राइट है ना? ऊपर जाना है ना उनको खींचने के लिए,
खुद नहीं खींच जाना है, उनको खींच कर बाहर निकालना है. एंड इसीलिए नेवर से आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, एंड नेवर से आई हाउ कैन आई बी सेल्फिश टू डू दिस फॉर माई सेल्फ. आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं. आप जो करेंगे उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? पूरी फैमिली को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा. इसलिए करना है. करेंगे, निकालेंगे थोड़ा सा टाइम. यस, आप सबको एक फोल्डर मिला है, उस पर मेडिटेशन सेंटर का एड्रेस भी है, नंबर भी है, टाइमिंग भी है. 21st से 27th तक सेंटर पे राजयोग मेडिटेशन कोर्स होगा, 1 आवर, 3 टाइम दिए हैं. 7 AM ना, 7 AM, 7 AM, 11 PM, ना 11, 7 AM, 11 AM, 5 PM, 5:30 PM. और इसके अलावा अगर ये तीनों टाइम नहीं सूट करते ना, आपको जो दिन जो टाइम सूट करे आप वो बताओ सेंटर पर, जो दिन जो टाइम आपको सूट करे. एंड आप जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक और भी सेंटर्स हैं, सो चूज द वन विच इज़ क्लोजेस्ट टू यू. लेकिन 4-5 दिन निकाल के आधा घंटा अपने आप को एनर्जाइज ज़रूर करें. आज कर लें ताकि उनको भी ऊपर उठा लें, नहीं तो क्या होगा, और बैटरी क्या होती जाएगी, डाउन. बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द प्लैनेट इज़ गोइंग डाउन. हवा में इतना स्ट्रेस है तो वो उनके ऊपर असर करता है. और हर रोज़ खुद करेंगे और धीरे धीरे उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा करना शुरू करेंगे. मेडिटेशन हमें सिखाएगा कि जब वो लो वाइब्रेशन पर है, हमें उनके लिए हाई वाइब्रेशनल थॉट्स क्रिएट करके उनको कैसे ऊपर उठाना है, ये भी हमें मेडिटेशन सिखाएगा. कम, लेट्स टेक 1 मिनट ऑफ साइलेंस. सीधा होकर बैठें और लेकर आए उनको अपने सामने. लेट्स एनर्जाइज देम. Again visualize in the center of the forehead, point of light, energy. Main Atma hu. I am the creator of my destiny. मैं अपने घर का आधार स्तंभ, फाउंडेशन हूँ. मेरी इमोशनल हेल्थ मेरी फैमिली की हेल्थ बनाती है. आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज. सिचुएशन कोई भी हो, उनका बिहेवियर कैसा भी हो, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, और मैं अपने आप के साथ हमेशा सही बात करती हूँ. मेरी हर थॉट राइट है. और मैं उनको ब्लेसिंग्स देती हूँ. आई हील देम. मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ. मैं अपने घर का पावर हाउस हूँ. आज से सेल्फ केयर इज माय प्रायोरिटी. इमोशनल हेल्थ इज माय प्रायोरिटी. मेरे संस्कार एंड कर्म मेरी प्रायोरिटी. हर रोज कम से कम आधा घंटा मेरा अपने लिए है. वो आधा घंटा मेरे परिवार की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है.
वो आधा घंटा हर एक को शक्ति देता है जो मेरी एनर्जी फील्ड में आते हैं. आई एम द पावर विच एम्पावर्स अदर्स. इसी साइलेंस में हम रहेंगे और आज कम से कम नेक्स्ट 15 मिनट्स व्हाइल यू आर वॉकिंग आउट ड्राइविंग जस्ट रिमेन इन साइलेंस फॉर 15 मिनट्स एंड सेट योर प्रायोरिटीज राइट. अनटच्ड बाय लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या कर रही है. Just your journey, सिर्फ अपनी journey set कीजिए. आपकी journey, आपकी मर्यादाएं, आपके संस्कार, आपके rights and wrongs पर अपनी journey को set कीजिए. अपनी priority set कीजिए. So हम यहाँ से silence में उठेंगे और अगले 15 मिनट हम silence में रहकर सिर्फ अपने आप के साथ बात करेंगे. ओम शांति.